गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो आपका भाई शिवा आपके लिए लेके आ चुका है जावा स्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 2। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स के ऊपर। तो जो हम लोग वैल्यूज़ यूज करने वाले हैं, वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं उस वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वैल्यूज़ और वेरिएबल के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल होता क्या है। आई थिंक सारे लोगों ने अपना सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, सीनियर सेकेंडरी, इट मीन्स कि 12th कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इतना तो मैं मान सकता हूँ कि अपने मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स पढ़े होंगे। तो वेरिएबल्स होते क्या हैं? जैसे हम लोग मानते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू 5, ये हम लोग मानते थे मैथ में। हम मान लेते कि एक्स का वैल्यू 5 है, एक्स का वैल्यू 2.5 है, जो भी हम लोग मानते थे मान लेते थे। मान लेते थे कि एक्स का नाम जो है वो श्याम है, ये सब चीज़ें हम मानते थे। तो ये हमने मैथमेटिक्स में करते हैं, सेम चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। डिफरेंट क्या होता है इसमें, साइजेस, अलग अलग चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स, मतलब डेटा टाइप्स एक्चुअली कहें तो। तो वेरिएबल्स होते क्या है, एक तरीका होता है, मेथड होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को स्टोर करने का। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल जो होता है वो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल एक बकेट की तरह होता है, जैसे बकेट की तरह। बकेट में हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं बकेट से या बॉक्स से। तो जैसे अगर हम बात करें छोटा बॉक्स है, तो छोटे बॉक्स में छोटे चीज़ें रखेंगे, बड़े बॉक्स में बड़े चीज़ें रखेंगे। तो इसी टाइप से हमारा वेरिएबल होता है। तो इस वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, अपने वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। जैसे बकेट में हम लोग पानी स्टोर करते हैं, बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें स्टोर करते हैं, वैसे ही वेरिएबल में हम लोग अपने वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, यहाँ पर भी हम लोग वेरिएबल में वैल्यूज़ ही स्टोर करते हैं। तो चलिए हम अपने चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और देखते हैं इसको। ओके, चलिए हम अपने आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और हम लोग अपने script.js के अंदर आ चुके हैं। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। ओके, ये कमेंट हो चुका है। तो कमेंट कैसे करना है, कंट्रोल और इंटर के पास एक क्वेश्चन मार्क का की होगा, बटन होगा, तो उसको क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक ये कमेंट हो जाएगा। तो ओके, चलिए अब हम लोग अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो लेट हम लोग मैथ में यही तो करते हैं, एक्स इक्वल टू 5, लेट एक्स इक्वल टू 5, मतलब कि एक्स हम लोग मान लिए 5 है, वैसे हम लोग मान लेते हैं लेट वाई इक्वल टू 5.6 मान लिया हमने। लेट मान लीजिए कि हमने मान लिया कि एज इक्वल टू 22, ये हमने मान लिया एज 22। लेट नेम इक्वल टू सचिन, हमने नेम सचिन मार लिया। अब हम लोग मान लेते हैं कि वो मैरिड है कि नहीं है, तो मान लेते हैं मैरिड है, तो ये हमने लिख लिया ऐसे, इज मैरिड इक्वल टू। तो ये हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने की क्या चाहिए, सबसे पहले एक कीवर्ड। लेट क्या है हमारे पास, देखिए इसमें पार्ट्स हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इस वेरिएबल डिक्लेयर करने में। तो सबसे पहले आता है लेट। तो लेट क्या है, एक हमारे पास कीवर्ड है। ओके, लेट क्या है, कीवर्ड है टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ओके, अब बात आता है एक्स वाई और एज क्या है, ये एक वेरिएबल नेम है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स वाई एज नेम इज मैरिड क्या है, एक वेरिएबल नेम है। और 5.6 क्या है, एक वैल्यू है। आपको ये दिख चुका कि लेट हमारे पास एक कीवर्ड है, एक्स वाई जे इज मैरिड क्या वेरिएबल नेम है, 5 क्या है, 6 सचिन ट्रू ये क्या है, वैल्यू है। तो हमारे एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करने में और इनिशियलाइज करने में तीन चीज़ें हो रहा है, सबसे पहले एक कीवर्ड, दूसरा वेरिएबल का नाम, तीसरा हमारा वैल्यू। तो इनके हेल्प से हम लोग अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करें। अब चलिए इसको हम लोग कंसोल पे प्रिंट करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और हम लोग लिखेंगे एक्स, ये हो चुका है हमारा ऐसे, console.log.y, console.log.age, console.log.name, console.log.isMarried, हमने ये इसको लिख लिया और हमने इसको सेव कर देते हैं। ओके, अब हम अपने index.html पेज में जाते हैं और इसको हम लोग रन कर लेते हैं। गो लाइव, लाइव गया। इंस्पेक्ट पे जाएंगे हम अपना और अपना कंसोल ओपन कर लेंगे।
तो जैसे ही कंसोल ओपन किया आपको दिख गया 5.5.6.22 सचिन ट्रू। ये हम वैल्यू डायरेक्टली भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते थे। मीन्स क्या मीन्स, मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो हमने वहाँ पे दिया है इसको डायरेक्टली भी तो हम लोग वैल्यू को इसके अंदर दे के प्रिंट करते थे। कंसोल डॉट लॉग जैसे 5 हम लोग दे देते थे, फिर हम लोग कंसोल डॉट लॉग 5.6 दे देते थे, कंसोल डॉट लॉग 22 एज भी दे देते थे सचिन। इन सब चीज़ों को हम लोग एक जगह पे स्टोर कर ले रहे हैं, तो वो स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। तो सेम वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। देखिए सेम चीज़ें आई हैं, बट डिफरेंट क्या है कि हमने इन सब को रीयूज़ करने के लिए हमने एक इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। तो हम इस नेम को, ये बार बार रिपीटेशन हटाने के लिए हम लोग इसका अब अलग अलग जगह पे इसका डे के नेम देके यूज़ कर सकते हैं, इन सब लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये होता है हमारा वैल्यू एंड वेरिएबल। देखिए अभी इसमें हम बात करेंगे लेट के ऊपर, वार के ऊपर और कॉन्स्ट के ऊपर। तीन तरीके से हम लोग अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, और हम बात करने वाले हैं इसके ब्लॉक लेवल के, इसका स्कोप क्या क्या होता है। फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया कि ब्लॉक स्कोप इसका क्या होता है, तीन तरीके से डिक्लेयर करते हैं, इसमें नहीं हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बट हम ये चीज़ें हम बात करने वाले हैं अभी। और क्या बात करेंगे हम डेटा टाइप के ऊपर बात करने वाले हैं, डेटा टाइप्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ये सब चीज़ें जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन पर बात करने वाले हैं। फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर बात करने वाले हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में लेट हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे हम लोग वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे और उसमें अपने वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। अब आपको समझ में आया, मैंने इसको ऑपरेशन कर दिया और इसको तीन पार्ट में आपको समझाया कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना क्या होता है। आपने क्या किया यहाँ पे, लेट एक्स किया, तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे लेट एक्स हो गया एक हमारा, लेट एक्स अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट एक्स इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो लेट एक्स जो हमारा हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, और लेट एक्स इक्वल टू फाइव, ये हमारा जब हम एक्स इक्वल टू फाइव कर देते हैं, एक्स इक्वल टू फाइव, तो ये हो जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर हम दोनों एक साथ देते हैं तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ करते हैं। तो बात समझ में, ये चीज़ें होती हैं। अगर हम इस तरीके से अलग अलग करें तो ये हो जाता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन अलग, इनिशियलाइजेशन अलग, लेकिन जब दोनों एक साथ करते हैं तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ होते हैं। तो ये डिफरेंस है इनमें। आगे हम काफ़ी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, लेट, वार, कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग जावास्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हैं, वार को कैसे होस्ट कर सकते हैं, लेट को नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें बात करेंगे हम। बट अभी के लिए हम लोग बात कर रहे थे वैल्यू और वेरिएबल पे। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम ये सब चीज़ें बात करने वाले हैं, कुछ पार्ट उसके नेक्स्ट में बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 था। ओके, थैंक यू।